आई अम्मी जान। शाहिन बेटा, जरा ये सेवई वाला थैला उठाकर देना मुझे। ये लीजिए अम्मी जान। अम्मी जान, आज तो आप मेरा स्कूल का बैग लेकर आएंगी ना? हाँ बेटी जान, इंशाल्लाह हम आज आपके लिए नया स्कूल बैग लेकर आएंगे। 5 महीने की हामिला फिरदौस अपने दोनों हाथों में सेवई के थैले उठाती है और अपनी बेटी शाहीन और सास नूरी के साथ रिक्शे में बैठकर सीधा किराने की दुकान पर जाती है। अदनान भाई जान, ये लीजिए, इस बार पूरी 20 किलो सेवई है। इस बार की सेवई तो काफी अच्छी लग रही है, ये लो इनके पैसे। ये क्या भाई जान, ये 20 किलो सेवई है तो 1800 रुपए हुए हैं और आप तो सिर्फ हमें 1200 रुपए दे रहे हैं। बाजार में जो भाव होगा उसी भाव पर तो मैं सेवई खरीदूंगा ना, बाजार में इतना ही भाव है। लेकिन भाईजान, हमने तो सुना है कि शहर के मुकाबले आप हमें सेवई के बहुत कम रुपए दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपसे दोनों सास बहू जाकर शहर में अपनी सेवैया बेचना, मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाईजान, ऐसा मत बोलिए, आप हमें इसके 1200 रुपए ही दे दीजिए। दुकान वाला अदनान दोनों सास बहू से कम कीमत में ही उनकी सारी सेवैयां खरीद लेता है। अगर ये दुकान वाला हमसे आधी कीमत में ऐसे ही सेवई खरीदता रहा तो हम लोग वक्त से पहले पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? अगर आज शाहिन के अब्बू जिंदा होते तो हमें ऐसा दिन सपने में भी नहीं देखना पड़ता। या खुदा, हम गरीबों पर तू कब अपना रहम बरसाएगा? सोचा था आज शाहिन का स्कूल बैग ले आऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं अम्मी जान, आप ऐसे उदास मत हो, मैं अपना स्कूल बैग अभी कुछ और दिन चला लूंगी। गरीबी के चलते गरीबों के बच्चे वक्त से पहले ही कितने समझदार हो जाते हैं। ये अल्फाज कहते हुए नूरी की आंखों में से आंसू झलकने लगते हैं। इसी के साथ अब उन सबको बीते पल की झलक दिखने लगती है। अम्मी जान, फिरदौस, मैं जा रहा हूँ। कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। बहुत देर हो चुकी है, शहर पहुँचने में वक्त भी लगेगा, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा, मत परेशान हो आप लोग। ठीक है, आराम से आइएगा और जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। फरहान घर में सिवई बनाने का काम करता था। घर में सिवई बनाकर फरहान उन्हें हर हफ्ते शहर में बाजार में ले जाकर बेचा करता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन फरहान जब हमेशा की तरह बस में सिवई लेकर जा रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे उनकी बस पर हमला कर देते हैं और इसी भगदड़ में फरहान को गोली लग जाती है। मौका रहते पुलिस आ जाती है और फरहान को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा देती है। या खुदा, ये क्या हो गया? डॉक्टर, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। नूरी फिरदौस अपने गांव के सबसे अमीर सेठ अकरम के पास अपना घर 2 लाख में गिरवी रख देते हैं और सारे पैसे फरहान के इलाज में लगा देते हैं, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बड़े अस्पताल में भी इलाज चलने के बावजूद डॉक्टर फरहान को बचा नहीं पाते हैं। वहीं अपना घर गिरवी रखने की वजह से अब नूरी और हामिला फिरदौस को सेवई बनाकर बेचना पड़ता है। क्या हुआ अम्मी जान, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? अकरम ने 6 महीने का वक्त दिया था, 2 महीने तो गुजर चुके हैं और हमने अभी आधे पैसे भी नहीं जोड़े हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कहीं अकरम हमें हमारे घर से ना निकाल दे। खुदा के लिए ऐसा मत बोलिए, ऐसी हालत में मैं आपको और अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप फिक्र मत करिए, हम जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लेंगे। जहाँ रमजान के महीने में हर कोई रमजान और ईद की तैयारी कर रहा होता है, वहीं कुछ गरीब परिवार के लोग अपनी परेशानियों से लड़ रहे होते हैं। मैंने कहा ना मुस्कान, मेरे पास सेवई खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता अम्मी जान, मुझे सेवई खानी है तो खानी है। मुस्कान, तुम जानती हो ना कि अब्बू का काम अभी अच्छे से नहीं चल रहा है, बिना पैसों के हम लोग सेवई कैसे लेकर आएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे सेवई खानी है तो खानी है, मुझे अभी लाकर दो। अच्छा ठीक है ठीक है, खुदा के वास्ते रोना बंद करो, ये लो 1 रुपए और जाकर इससे सेवई ले आओ। अम्मी जान, मैं भी सेवई लेकर आई। ए खुदा, तू तो हमारे घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ है, इस 1 रुपए में मेरी बच्ची को कोई भी सेवई नहीं देगा। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, इस 1 रुपए में सेवई ना सही, कम से कम टॉफी तो तुझे मिल ही जाएगी। मुस्कान खुशी से भागती हुई अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर अदनान की दुकान पर जाती है। अदनान अंकल, मुझे 1 रुपए की सेवई दे दो। क्या 1 रुपए का सेवई? ये क्या तेरे अब्बा जान की दुकान है? हैं? 1 रुपए की सेवई चाहिए, चल भाग यहाँ से। अदनान भाईजान, कम से कम बच्ची से तो इस तरह बात ना कीजिए। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे सेवई खानी थी, इसलिए मेरी अम्मी जान ने मुझे 1 रुपए में सेवई लाने के लिए भेजा, लेकिन ये मुझे 1 रुपए में सेवई नहीं दे रहे हैं। बस इतनी सी बात, लाओ ये 1 रुपए मुझे दो, मैं तुम्हें सेवई दे देती हूँ। फिरदौस मुस्कान से 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने थैले में से सेवई निकाल कर उसे दे देती है। ये लो, अब अपने अम्मी जान से ढेर सारी सेवई बनवा कर खाना। शुक्रिया आंटी। इतना कहकर मुस्कान सेवई लेकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर नूरी कहती है, ये क्या फिरदौस बहू, तुमने इस बच्चे को 1 रुपए में इतनी सारी सेवई क्यों दी? तुम जानती हो ना कि अभी हमारे लिए पैसे जमा करना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ अम्मी जान, लेकिन क्या आपने उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी? इस रमजान के महीने में हर किसी को जकात देनी चाहिए। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम जकात दे सके, लेकिन कम से कम ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को 1 रुपए में सेवई तो दे ही सकते हैं। फिरदौस की बात सुनकर नूरी उसका कोई जवाब नहीं दे पाती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फिरदौस जब भी अदनान की दुकान पर सेवई बेचने के लिए आया करती है तो अक्सर मुस्कान उससे 1 रुपए का सेवई खरीदा करती है। ये लीजिए आपका 1 रुपए और ये आपकी सेवई। रमजान का महीना खत्म होने के करीब होता है। फिरदौस और नूरी रोज की तरह घर में सेवई बना रही होती हैं कि तभी फिरदौस को एक तरकीब सूझती है। अम्मी जान, हमेशा वो अदनान हमसे पूरी सेवई लेकर हमें आधे दाम में पैसे देता है, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। मैं सोच रही थी अगर उस अदनान को सेवई देने की वजह खुद बेचे तो क्या? लेकिन बहू ये सही रहेगा, तेरी तो जचकी का भी वक्त करीब आ गया है। लेकिन अम्मी जान, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। नूरी को फिरदौस की बात में दम दिखता है, जिसके बाद अब वो दोनों सास बहू अदनान को सेवई बेचने की बजाय खुद ही बाजार में जाकर सेवई बेचने लगती है। सेवई ले लो सेवई, घर की बनी हुई ताजी ताजी सेवई ले लो। भाईजान, बाजी, घर की बनी हुई ताजी और साफ सुथरी सी सेवई ले लो, सिर्फ 100 रुपए पैकेट है। क्या 100 रुपए पैकेट? अरे आप लोग तो बहुत सस्ती सेवई बेच रहे हो, है? दुकान पे तो 150 रुपए की सेवई है। आप मुझे 3 सेवई के पैकेट दे दीजिए। बाजी मुझे 4 सेवई के पैकेट दे दीजिए। ये लीजिए भाईजान आपके सेवई के पैकेट। सस्ती और साफ सुथरी सेवई होने की वजह से लोग अब बड़ी बड़ी दुकानों को छोड़कर फिरदौस और नूरी के पास से सेवई खरीदा करते थे। बेटिया, मैंने सुना है कि तुम गरीब लोगों को 1 रुपए में सेवई देती हो, क्या तुम मुझे भी 1 रुपए में सेवई दे सकती हो? क्यों नहीं अम्मा, ये लीजिए आपकी 1 रुपए में सेवई। खुदा तुम्हारा भला करे। आपने उन बूढ़ी अम्मा को 1 रुपए में इतनी सारी सेवई दे दी? ये तो आप रमजान के महीने में जकात देने जितना अच्छा काम कर रही हैं। फिरदौस नूरी अभी भी गरीब लोगों को सिर्फ 1 रुपए में सेवई बेचती है, जिसे देखकर सभी कस्टमर उन दोनों सास बहू से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके चलते अब इन दोनों सास बहू के ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे वो आधे से ज्यादा पैसे जोड़ लेते हैं। ये देख फिरदौस बहू, हमने इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे जोड़ लिए, अब लगता है कि हमारा घर हमसे वो सेठ अकरम नहीं छीन पाएगा। फिरदौस नूरी वक्त से पहले पैसों को जुटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं, और अब दोनों सास बहू और ज्यादा मेहनत करती हैं, जिनकी मेहनत का फल खुदा उन्हें जल्द से जल्द दे रहा होता है। मैं इस रमजान की आखिरी इफ्तारी के लिए बहुत बड़ी सी दावत दे रहा हूँ, और दावत सेवई के बिना तो अधूरी है, इसलिए मैं आपको 40 किलो सेवई का ऑर्डर दे रहा हूँ, और ये लीजिए इसका एडवांस। इतने बड़े ऑर्डर से नूरी फिरदौस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वक्त रहते ही दोनों सास बहू 40 किलो सेवई बनाकर तैयार कर देते हैं, और अब उनके पास 2 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं, जिसे वो लेकर सीधा अकरम के पास जाते हैं। आ गई तुम दोनों सास बहू, लगता है अपने हाथों से मुझे खुद ही अपने घर की चाबी देने के लिए आई हो। आओ आओ आओ, अपने घर की चाबी दे दो मुझे। नहीं अकरम, हम तुम्हें अपने घर की चाबी नहीं बल्कि ये पैसे देने के लिए आए हैं। अब से तुम्हारा हमारे घर पर कोई हक नहीं है। इतने कम वक्त में तुम दोनों ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया? जिसके साथ खुदा है उसका चाहकर भी कोई बुरा नहीं कर सकता। उस खुदा की रहमत से ही हमने इन पैसों का इंतजाम किया है। अब ये पैसे रखो और हमें हमारे घर के कागज दो। नूरी फिरदौस अकरम से अपने घर के कागज लेकर अपने घर को अकरम से आजाद कर लेती है। वक्त गुजरता है और ईद का त्योहार आता है, और आज सास बहू और पोती मिलकर तीनों खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही वक्त के साथ फिरदौस की जचकी का वक्त आ जाता है, और फिरदौस एक सुंदर से